मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। हाल ही में यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के बयान के बाद अखिलेश यादव का बयान भी काफी चर्चा में था। अगर नहीं पता तो जरा ये सुनिए। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उन्होंने कड़े तेवर में कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में ना बुलवाए। प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, वह पटना या मुंबई की बैठक में नहीं थे, इसलिए उन्हें गठबंधन के बारे में जानकारी नहीं है। अब सपा मुखिया के चिरकुट नेता वाले बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाया वह हम जैसे साधारण लोगों का क्या सम्मान करेगा। सुनिए। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता साधारण लोगों की इज्जत उनके मन में है। खैर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। अब जरा गठबंधन की स्थिति को समझते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को मात देने के लिए विपक्षी दल एक साथ आए और इंडिया गठबंधन बना, पर चुनावी मैदान में एक साथ उतरने से पहले ही इस विपक्षी गठबंधन में उथल पुथल शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन में अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच नाम, दलों की संख्या, कैंपेन तय हुआ और समितियां बनाई गई। बस ये तय करना रह गया कि सभी चुनाव साथ में लड़ेंगे या लोकसभा तक की बात हुई है। बस इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, अब लग रहा है उस पर कभी बात हुई ही नहीं। बीते दिनों सपा कांग्रेस के बीच जारी घमासान के बाद तो अब सपा मुखिया ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में सीटों के बंटवारे और गठबंधन पर बाद में सोचेंगे। अब सपा कांग्रेस के बीच विवाद चाहे जो भी हो, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ना आए ऐसा कहां संभव है। इस विवाद पर बीजेपी नेता और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि अखिलेश इंडिया गठबंधन पानी तेल का गठबंधन है, इनमें कोई समानता नहीं है। ये मजबूरी में साथ आए हैं क्योंकि पीएम मोदी से अकेले नहीं लड़ सकते। अब थोड़ा पूर्व में चलते हैं और इतिहास पर नजर डालते हैं। 4 अक्टूबर 1992 को अपनी स्थापना के बाद सपा ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव 1993 में लड़ा था। इस चुनाव के लिए सपा ने बसपा से गठबंधन किया था। इसी चुनाव में नारा मशहूर हुआ, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। साल 1993 के चुनाव में बीजेपी ने 422 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 177 सीटों पर जीत मिली थी। उन्हें 1,66,37,720 वोट या 33.30% वोट मिले। पिछले कुछ दिनों में जारी बयानबाजी के बीच एक सवाल ये उठता है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो इससे भाजपा को कितना लाभ होगा। जाहिर है कि अगर सपा और कांग्रेस में यहाँ सीटों पर तालमेल होता तो भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे की संभावना नहीं थी। अब जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी वहां भाजपा विरोधी वोट मिलने से उसे फायदा हो सकता है। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि साल 2018 में वोट शेयर के मामले में बीजेपी 40.02%, कांग्रेस 40.89% से आगे रही थी। दोनों के बीच सीटों में भी सिर्फ 5 का फासला रह गया था। गठबंधन टूटने के आसार व अटकलों के बीच बुंदेलखंड कानपुर क्षेत्र की 10 लोकसभा सीटों पर रणनीतिकार सियासी निहितार्थ तलाश रहे हैं। सपा गठबंधन इतिहास क्या रहा है ये भी समझ लेते हैं। पिछले 3 दशक के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि केवल 2007, 2012 और 2017 का ही चुनाव ऐसा था जब किसी दल ने खुद के बलबूते पर सूबे में सरकार बनाई हो। आंकड़े बताते हैं कि सपा के साथ ही कई ऐसे दल भी हैं जो कभी भी बीजेपी को अकेले हरा नहीं पाए हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।